भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरती आबा बिरसा मुंडा कर धरती झारखंड राइज कर सभी भाई बहन मन के मोर बटे से जमे जमे झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ के लोकप्रिय भाई रघुवर दास जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी और इसी धरती के संतान अर्जुन मुंडा जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, कैलाश चौधरी जी, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव जी, झारखंड सरकार के मंत्री नीलकंठ जी चंद्रशेखर जी और मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और दूर दूर से आए हुए और दूर दूर तक खड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, नई सरकार बनने के बाद जिन कुछ राज्यों में मुझे सबसे पहले जान मिला उनमें से झारखंड भी एक है। यही प्रभात मैदान, प्रभात तारा मैदान, सुबह का समय और हम सभी योग कर रहे थे और बारिश भी हम पर आशीर्वाद दे रही थी। आज जब फिर इस मैदान में आया तो अनेक पुरानी यादें ताजा हो गई। यही वो मैदान जहां से आयुष्मान भारत योजना पिछले सितंबर में आरंभ हुई। साथियों, आज झारखंड की पहचान में एक और बात जोड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। भाई और बहनों, ये वो राज्य है जो गरीब और जनजातीय समुदाय के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड है। यानी जब तुम्हें इस बात की चर्चा होगी कि गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाएं किस राज्य से शुरू हुई तो उसमें झारखंड का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आए। की आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई और आज देश के लाखों लोग जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे उनका इलाज हुआ है, वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हुआ। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है। मैं इस महान धरती से बहुत बहुत बधाई।
करने का। यानी हमने कभी देश के असंगठित कामगारों को पेंशन की योजना दी, बाद में किसानों के लिए पेंशन योजना, उसके बाद व्यापारी और स्वरोजगारी के लिए पेंशन की योजना, यानी एक प्रकार से देश मुसीबत में जीना न पड़े उसकी गारंटी ये पेंशन योजना लेकर के आई। साथियों, आज मुझे जलमार्ग विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा है। ये जलमार्ग झारखंड को पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा। इसके माध्यम से झारखंड के लोगों के लिए विकास की अपार संभावनाएं खुलने वाली है। इस टर्मिनल से यहां के आदिवासी भाई बहनों को, यहां के किसानों को अपने उत्पाद अब पूरे देश के बाजारों में और आसानी से पहुंच पाने में सुविधा होगी। इसी तरह जलमार्ग के कारण उत्तर भारत से झारखंड समेत पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्य आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सब राज्यों तक अब झारखंड का जो पैदावार है वह वहां तक पहुंचना सरल हो जाए। ये टर्मिनल रोजगार के नए अवसर भी तैयार करे। प्रगति की दृष्टि से देखें या पर्यावरण की दृष्टि से, ये जलमार्ग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और हर खरीदार को मिलेगा। भाई और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपसे कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया। एक ऐसी सरकार जो पहले से भी ज्यादा तेज गति से काम करेगी, एक ऐसी सरकार जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दे। हमारा संकल्प है हर घर जल पहुंचाने का। आज तीन तलाक के खिलाफ कड़ा कानून लागू कर दिया, अब निर्णायक लड़ाई का पहले 100 दिन में ही आतंक। आज यहां झारखंड विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण और सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया है। राज्य बनने के लगभग 2 दशक बाद आज झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। ये भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, 4 दीवारें नहीं है, ये भवन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां झारखंड के लोगों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जाए। ये भवन लोकतंत्र में आस्था रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए तीर्थ स्थान है। लोकतंत्र के इस मंदिर के माध्यम से झारखंड की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार होंगे। मैं चाहूंगा कि झारखंड के ओजस्वी नए विधानसभा भवन को
साथियों, आपने इस बार संसद के सत्र को लेकर भी आनंद हुआ, क्योंकि इस बार संसद का मानसून सत्र